हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है। रिव्यू क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव थ्री एग्जांपल्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें तीन एग्जाम्पल देनी है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ये एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं और इसको आप फर्दर शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सैचुरेटेड हम उसको कहेंगे जिसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, और उसका जनरल फॉर्मूला जो अल्केन का होता है, उसको हम अल्केन कहते हैं, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, एक से ज्यादा मोर देन वन और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, इसका अगर एक जो है डबल बॉन्ड है तो इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, और एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो CnH2n-2 होगा। ये तो सेचुरेटेड, ऑल आर बैलेंस इज सेटिस्फाई, नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऑल आर सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड आर हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सारे के एक या एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, जिसका जनरल फॉर्मूला भी है। अब सेचुरेटेड के एग्जाम्पल दें तो यहाँ पे मैंने इथेन की एग्जाम्पल दी है। इथेन के अंदर का फॉर्मूला CH2S6 है, ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, वैलेंसी सेटिस्फाई। अगर अनसेचुरेटेड के हाई एग्जाम्पल दें इसके मुकाबले के साथ, तो अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में इथीन दिया है और इथाइन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला नजर आ रहेगा C2H4, और इसका जो फॉर्मूला इथाइन का है C2H2। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं, और कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो सेचुरेटेड कहलाते हैं। अब तीन एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की गई है। एक इथीन की है जिसका फॉर्मूला C2H4 है, और कार्बन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। दूसरा प्रोपीन की दी हुई है। प्रोपीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन जो है तीन है, क्योंकि प्रोपेन से बना है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसका फॉर्मूला C3, और एच जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद ब्यूटीन की एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पे हम ट्रिपल की भी दे सकते थे, आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं। ब्यूटीन की बात करें तो ब्यूटीन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे दो डबल बॉन्डिंग दे दी है। दो डबल बॉन्डिंग की वजह से जो है दो हाइड्रोजन के लिंकेज कम हो जाएंगी, तो सी जो है हमारा 4 है और एच हमारा 6 है, क्योंकि दो डबल बॉन्डिंग है, सही। इसके अलावा भी आप कोई ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल दे सकते हैं, सब टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन का फॉर्मूला C2H4 होता है, इसको डॉट एंड क्रॉस से हम मेंशन करेंगे। डॉट और क्रॉस में क्या होता है, जो सेंट्रल एटम होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंट्रल एटम के अलावा जितने भी एटम होते हैं उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो दो पेयर हम लगाएंगे, एक इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए हमने डॉट लगा दिया है, तो दूसरे के लिए हमने क्रॉस लगा दिया। इस तरह डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में हम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इस दोनों के साथ जो कंबाइन एरिया है वहां पे शो करते हैं। ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कार्बन को डॉट से भी शो कर दे सकते हैं, हाइड्रोजन को क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इथीन है, इथीन C2H4, और कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ऑफ एन अल्कीन एंड अल्कीन एंड अल्काइन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम। हमें अल्कीन का और अल्काइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है। तो जो सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, 5 पेंटा मीन्स 5 मीन्स को हम पेंटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सिंगल है उसका तो एक ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो सकता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सी जो है हमारा 5 है, और एच जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, H12, C5H12, ठीक है, ये पेंटेन बन गया। अब पेंटीन की जब हम बात करें तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या तो ये कि पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग हो, या दूसरे और तीसरे कार्बन के दरमियान डबल बॉन्डिंग हो। तो अगर पहले और दूसरे के दरमियान डबल बॉन्डिंग है तो वो 1 पेंटीन कहलाता है, दूसरे और तीसरे के दरमियान डबल बॉन्डिंग हो तो वो 2 पेंटीन कहलाता है। अगर
तीसरे और चौथे के दरमियान होता है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती, क्योंकि नियरेस्ट होता है वहां से हम नंबरिंग करते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी है पेंटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वन पेंटीन और टू पेंटीन। वन पेंटीन मीन्स कार्बन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बैंड डबल बॉन्डिंग है, टू पेंटीन का मतलब है सेकंड और थर्ड के दरमियान डबल बॉन्डिंग है। अगर हम पेंटाइन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। एक ये पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, जिसको वन पेंटाइन कहेंगे, और ये भी पॉसिबल है टू और थ्री के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग हो, जिसको टू पेंटाइन कहेंगे। इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन है कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग ऑफ फाइव कार्बन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू का फोर, चौथा पार्ट जो है, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट इथीन इथेन एंड इथीन। अच्छा, ये इथेन और इथीन के लिए हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी कर सकते हैं, और केमिकल टेस्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल जो उनकी इस कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से हम इसको एक केमिकल टेस्ट के जरिए कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इथेन और इथीन जो है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ब्रोमीन टेस्ट की मदद से। ब्रोमीन टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है, ब्रोमीन जो है गैसियस स्टेट में होती है, और उसको पानी के अंदर मिक्स करके यूज करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर इस्तेमाल करेंगे। द कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर इज रेड ब्राउन। ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है लैब में आपने देखा होगा, वो रेड ब्राउन होता है। जब हम उसको एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम इथेन और इथीन अलग अलग दो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालेंगे। अब होगा क्या, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो यानी जिसके अंदर जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो डिकलराइज हो जाता है, ठीक है, वाटर के साथ। और जबकि सेचुरेशन जो होता है उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सारे बॉन्ड जो है ये सारी वैलेंसी वो सेटिस्फाई। इथीन इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड एंड इथेन इज सेचुरेटेड कंपाउंड। आपको नजर आएगा इथेन जो है वो सेचुरेटेड है, इथीन अनसेचुरेटेड, इसके पास डबल बॉन्ड है। इथेन तो कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि इथीन क्या करेगा, इट विल बी रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड विल डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, बट नॉट इट इथेन। इसलिए इसका कलर को डिकलराइज कर देगा, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो जाएगा और इथीन विल बी कन्वर्टेड टू इथेन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डबल बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, इथीन के बजाय जो है ब्रोमीन वन टू डाइब्रोमो इथेन बन गया, और यहाँ पे जो है कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हेलोजिनेशन जो होगी वो किसकी होगी, ब्रोमीन डाला था तो ब्रोमीन वाटर होंगे, तो दो डबल बॉन्डिंग जब ब्रेक होगी तो दोनों साइड पे एक एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो ये जो नया हमारे पास सब्सटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वन टू डाइब्रोमो इथेन, इथेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव, वॉट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। डिहाइड्रेशन का आपको पता होगा लॉस ऑफ वाटर होता है, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इन्होंने एक ही एग्जाम्पल पूछी है, इसमें जैसे जो आपको सूटेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अल्कोहल हमारे पास इथेनॉल, प्रोपेनॉल, बिटेनॉल, कोई सा भी OH ग्रुप ऐसा अल्किन लेंगे जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हो, तो वो हम यहाँ पे इथेनॉल ले रहे हैं। इथेनॉल को जो हम डिहाइड्रेट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, रिमूवल करेंगे, तो वो हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड, यानी ये रिएक्शन जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, वहां पे हमें सॉल्यूशन को थोड़ा एसिडिफाई करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। टेंड्स टू लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्किन, और ये क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर लेगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो रिमूव होगा तो वो अलग हो जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, ये इथाइल इथेनॉल will be converted into ethene, ठीक है। These reaction are known as dehydrogenation or dehydration. इसको dehydrogenation भी कहते हैं और dehydration of alcohol भी कहते हैं। Dehydration of alcohol using aluminium, aluminium इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, aluminium oxide इस्तेमाल किया जाता है ऐसे catalyst जिसका formula Al2CO2 है, और ये जो reaction करवाया जाता है 340 से 450 degree Celsius पे करवाया जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ये जो एग्जाम्पल है वो हम अल्कोहल को लेते हैं और वो हम करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी डिहाइड्रेशन की नेचर है, वो भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो अब ये वाला रिएक्शन अगर देखें, ये भी हमने इथेनॉल लिया है, कंडेंस कंसेंट्रेटेड जो है सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, 180 पे रिएक्ट करवा रहे हैं, और एसिड की प्रेजेंस, चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी प्रेजेंस में होगा। अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड, जैसे ये
प्रोटिक एसिड है, कौन सा एसिड है, उसका सल्फ्यूरिक एसिड है, टेंड टू लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्केन। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर लेगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, इथीन रह जाएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये इथाइलिन नहीं है, इथीन है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्बेंट, सो इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव टू गिव इथीन एज अ प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, वो इथीन बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, इथीन, ठीक है। और ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट जो हम बात करें, अच्छा ये पांच क्वेश्चन ही है, होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फर्दर आप कुछ पूछना चाहें तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।